मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 13 ऑफ मैथमेटिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। पहले हमने वन डिजिट के सबट्रैक्ट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे टू डिजिट के सबट्रैक्शन। लेट अस सबट्रैक्ट 25 फ्रॉम 62। वी फॉलो द स्टेप नो बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, उसी से हमको सबट्रैक्शन करने हैं। स्टेप वन, राइट द गिवन नंबर इन कॉलम फॉर्म। अब जो नंबर यहाँ पे हमने दिए गए हैं 62 और 25, उसको हम क्या करेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप टू, सबट्रैक्ट द वंस। अब हमको क्या करना, वंस और वंस को सबट्रैक्ट माइनस करना है। 5 greater than 2। अब 2 में से 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो हम 2 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट सेपरेट 5 वंस फ्रॉम 2 वंस। 2 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते। बोरो 110 सो दैट 5 tens आर लेफ्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 नंबर है तो हमें एक यहाँ से एक बोरो मतलब उधार लेना पड़ेगा। तो अगर हम एक यहाँ से उधार लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना नंबर हो जाता है, 12, और यहाँ पे कितना नंबर रह जाता है, 5। टेंस तो 5 रह गए और हमारे वंस कितना हो गया, 12। 110 plus 2 वंस बराबर 10 वंस plus 2 वंस बराबर 12 वंस। तो वंस कितना हो गया हमारा, 12। 12 वंस minus 5 वंस बराबर 7 वंस। अगर हम 12 वंस में से 5 वंस को हम माइनस करते हैं तो हमारा नंबर कितना आएगा, 7। राइट 7 अंडर द वंस कॉलम। और हम 7 को कहाँ लिखेंगे, वंस के कॉलम में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। स्टेप 3, सेपरेट द टेंस। अब हमको टेंस को सेपरेट करना, माइनस करना है। 5 tens minus 2 tens बराबर 3 tens। यहाँ पे हमारा एक हमने उधार इधर दिया था तो हमारा 6 में से एक इधर दिया तो 5 रह गया था, तो 5 में से हमें 2 को माइनस करना है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 tens। राइट 3 अंडर द टेंस कॉलम। और हम 3 को कहाँ लिखेंगे, टेंस के नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। हैंस 62 minus 25 बराबर 37। अगर हम 62 में से 25 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 37। ओके, समझ में आया बच्चों। इसी तरह शॉर्ट मेथड, लेट हस सेपरेट 39 फ्रॉम 57। वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं और उसी से आपको वापस करना है। स्टेप वन, 39 और 57 को हमें कैसे लिखना है, वही हमको कॉलम की फॉर्म में इनको लिखना है। अब 57 और 39 वापस वही, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हमको कहाँ से बोरो करना पड़ेगा, टेंस में से हमको एक उधार इधर लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 17। स्टेप टू में देखते हैं, एक यहाँ से हमको इधर लिया तो यहाँ कितने नंबर हो गए, 17। अब 17 में से 9 को माइनस किया तो कितना आ गया, 8, और हमारा टेंस कितना रह गया, 4। स्टेप थ्री में देखो, 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारा क्या बचा, 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। इसी तरह हम आगे वाला देखते हैं, 42 minus 29। अब उसी तरह 2 में से 9 को माइनस हम नहीं कर सकते तो हमें एक इधर से बोरो करना पड़ेगा, 4 में से एक उधार हम इधर लेंगे तो हमारा नंबर यहाँ कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आप फिंगर से कर सकते हो या आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो। 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे हम 4 में से एक इधर उधार दिया तो कितना नंबर बच गया, 3। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, तो हमारा वंस कितना हो गया, 3, और टेंस कितना हो गया, 13। इसी तरह 1 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते, 71 minus 35। तो 1 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार इधर लेना पड़ेगा तो यहाँ हो गया हमारा नंबर 11, और यहाँ पे रह गया 6। 11 में से 5 को माइनस करेंगे, 6 बचा। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचा, तो हमारा नंबर कितना आ गया, 6 वंस
और थ्री टेंस, 36। इसी तरह आगे वाला देखते हैं, वन में से नाइन को हम माइनस नहीं कर सकते तो हमें टेंस में से बोरो करना पड़ेगा, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा सेवन और यहाँ पे हो जाएगा इलेवन। इलेवन में से नाइन को माइनस करेंगे टू, सेवन में से वन को माइनस करेंगे सिक्स, हमारा वंस कितना हो गया टू और हमारा टेंस कितना हो गया सिक्स, बराबर 62। इसी तरह बाकी के आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।